गाइस, कभी आपको ऐसा फील हो कि कोई आपको देख रहा है, और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि वो आपको घूर रहा था या नहीं, तो उसका एक गजब का ट्रिक है मेरे पास। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको उसी वक्त उबासी लेनी है और फिर देखो कि क्या वो बंदा या बंदी उसी वक्त उबासी ले रहा है। अगर हाँ, तो पूरी आशंका है कि वो आपको घूर रहा था या घूर रही थी, क्योंकि उबासी कॉन्टेजियस होता है, यानी कि संक्रामक होती है, जो कि दूसरों को देख के आती है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे हैं। कैसे, एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पैरा ओलंपिक 2021 में हमारे खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स का एक नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सन 1972 से लेकर सन 2016 तक, यानी कि 44 सालों में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने मात्र 12 ही पदक भारत के लिए जीते थे, लेकिन अकेले साल 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अभी तक 12 मेडल जीत चुके हैं और भी मेडल आने बाकी हैं। यानी कि जितने 44 सालों में मेडल आए, उतने अकेले 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स जीत चुके हैं। गाइस, इस बात के लिए हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाइयां तो बनती हैं, सो चैट सेक्शन में उनको बधाइयां जरूर दीजिएगा। 5 ऐसी चीजें जिससे आपका दिन और कोशिश करें तो आपकी जिंदगी भी संवर सकती है। सबसे पहला, अगर आपको अपना मिजाज यानी कि मूड को ठीक करना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है एक्सरसाइज। दूसरा, अगर आपको अपना डिसीजन पावर और कंफ्यूजन का लेवल ठीक करना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन। तीसरा, अगर आपको दुनिया को समझना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है बुक्स यानी कि किताबों को पढ़ना। चौथा, अगर आपको दूसरों की मदद करनी है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है अपनी मदद पहले कर लें। और पांचवा, अगर आपको तेजी से सीखना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप मजे से सीखें। गाइज, आपको ये पांचों सुझाव कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, अगर आपको स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है, तो उसके लिए तिब्बतियों की कहावत सुनिए। तिब्बतियों के अनुसार अगर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपको दिन भर में जितनी जरूरत हो उसका सिर्फ आधा ही खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको दुगना यानी कि डबल घूमना चाहिए। पूरे दिन भर में 3 गुना हंसना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में हर किसी से अनगिनत प्यार करना चाहिए। अगर आप ये सारे काम करते हो, तो आप हमेशा खुश रहोगे और लंबा जीवन जियोगे। गाइस, आपको तिब्बतियों की कहावत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।